डीडवाना से बड़ी खबर आ रही है। हाई टेंशन लाइन के चपेट में आने से किशोर की मौत हो गई है। पेड़ से फल तोड़ते समय यह हादसा पेश आया है। ग्रामीण तहसीलदार से मुआवजे की मांग कर रहे थे। डीडवाना के मावा गांव की घटना बताई जा रही है। तो पेड़ से फल तोड़ते समय यह हादसा हुआ है। ग्रामीण तहसीलदार से मुआवजे की अब मांग कर रहे हैं। तो डीडवाना के मावा गांव की यह घटना है जहां पर फल तोड़ने के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से किशोर की मौत हो गई है। पेड़ से फल तोड़ रहा था यह किशोर, इसी दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। अब गांव वाले तहसीलदार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। डीडवाना के मावा गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो किशोर था जिसने फल तोड़ने की कोशिश की थी, इसी दौरान वो हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया और उसने दम तोड़ दिया। और बात प्रधानमंत्री के चीन यात्रा की। चीन की यात्रा पर गए पीएम नरेंद्र मोदी आज शंघाई में टॉप चीनी सीईओ से मुलाकात करेंगे और साथ ही भारत चीन व्यापार मंच को संबोधित करेंगे। इस दौरान लगभग 10 अरब डॉलर के व्यापार समझौते होने की उम्मीद है। पीएम शुक्रवार शाम बीजिंग से शंघाई पहुंचे, जहां उन्होंने चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग के साथ बातचीत की। पीएम मोदी शंघाई में व्यापार मंच को संबोधित करने से पहले चीन की 20 शीर्ष कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। इस व्यापार मंच में भारत और चीनी कंपनियों के शीर्ष अधिकारी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने नई दिल्ली में उद्योग भवन में केंद्रीय टेक्सटाइल राज्य मंत्री संतोष गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री राजे ने राजस्थान में 6 कॉमन एफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का आग्रह किया। राजे ने बताया कि राजस्थान के पाली जिले में 2, बालोतरा में 2, जासौर में 1 सीईटीपी और पाली में प्रस्तावित अगली पीढ़ी के टेक्सटाइल पार्क की स्थापना का प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा है। इन प्लांटों की स्थापना इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग डेवलपमेंट स्कीम के तहत की जाएगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने नई दिल्ली में भारत में इसराइल के राजदूत डेनियल कारमोन से भेंट की। राजे ने कारमोन के साथ इसराइल और इसराइल के बीच कृषि और डेयरी विकास और अलग अलग क्षेत्रों में तकनीक संबंधी आदान प्रदान के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। सीएम राजे ने कहा कि राजस्थान और इसराइल के बीच जलवायु संबंधी समानताओं के कारण कृषि क्षेत्र के विकास में हम भागीदारी अदा कर सकते हैं। उन्होंने इसराइल के राजदूत से कहा कि राजस्थान के लूनकरनसर में स्थापित की गई जैतून रिफाइनरी के संचालन और प्रबंधन में इसराइल काफी सहयोग प्रदान कर सकता है। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम का ऐलान 2 दिनों में कर दिया जाएगा, इसकी जानकारी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने दी है। परनामी ने कहा है कि 131 सदस्यों की कार्यकारिणी बनाई जाएगी, जिनमें 26 आमंत्रित सदस्य होंगे। अब तक प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या 300 से ज्यादा होती थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व से मिले निर्देश के बाद इसे सीमित कर दिया गया है। कहीं नहीं आ रही इसमें, पहले हमने जो कार्यकारिणी बना रहे थे कि जैसे हमेशा कार्यकारिणी बनती थी करीबन 350-400 की कार्यकारिणी बनती थी, परंतु इस बार हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया कि जो संविधान में लिखा हुआ है वो संविधान के अनुसार ही कार्यकारिणी का गठन हो। सरकार 18 मई से 2 महीने के लिए राज्य भर में राजस्व लोक अदालत लगाने जा रही है, ताकि अदालत में लंबित मामलों को निपटाया जा सके। अगर आपका कोई केस अदालत में लंबे वक्त से फंसा हुआ है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल सरकार न्याय आपके द्वार कार्यक्रम चलाने जा रही है, जिससे अदालतों में लंबित पड़े मामलों को सुलझाया जाएगा। ये लोक अदालतें हर ग्राम पंचायत पर लगाई जाएंगी। कार्यक्रम को सफल बनाने और लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार के प्रभारी मंत्री जिले जिले का दौरा कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मामलों का निपटारा कराने लोक अदालत पहुंच सके। भिलवाड़ा जिले की प्रभारी और महिला बाल विकास मंत्री अनीता भदेल ने शुक्रवार को भिलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट में राजस्व विवाद में निस्तारण के लिए लगने वाले शिविरों का शुभारंभ किया। 2 महीने तक चलने वाला यह अभियान 18 मई से योजनाबद्ध तरीके से शुरू होगा। पटवार सर्किलों में रिक्त पद हैं, उनको हमने कंबाइन किया उन ग्राम पंचायतों को, और उन ग्राम पंचायतों को कंबाइन करके
अतिरिक्त चार्ज देकर के वहाँ अधिकारियों को लगाया है और एसडीओ को उसका कोऑर्डिनेटर बनाया है। वो एसडीओ उस अपने उपखंड क्षेत्र में उन सबको व्यवस्थित करेंगे, उन सब की व्यवस्था करेंगे कि उस दिन जिस दिन वहाँ ग्राम लोक अदालत होने वाली है उस दिन वो सब अधिकारी वहाँ पहुँचे और उनका निपटारा वो करें। तो वहीं झालावाड़ में अभियान के प्रचार का जिम्मा जिले के प्रभारी और कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने संभाला है। कृषि मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर लोक अदालत के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। न्याय आपके द्वार कार्यक्रम सही से चल सके इसके लिए सरकार कोई कसर बाकी नहीं रहने देना चाहती है। इसी को लेकर आज अजमेर जिला प्रभारी शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में एक बैठक बुलाई। बैठक में विधायक और जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। अभी तक जमीन अपनी और जंग अपनी की लाइन पर काम कर रही राजस्थान की जनता को जल्द राहत मिलने वाली है। दौसा में राजस्व लोक अदालतों की जानकारी देने प्रभारी मंत्री अरुण चतुर्वेदी पहुंचे और कार्यक्रम के बारे में अधिकारियों से बात भी की। सीकर जिले के प्रभारी और सहकारिता मंत्री अजय सिंह कीलक ने जिला सभागार में अधिकारियों से बात की। बैठक में कीलक ने कहा कि जमीन को लेकर होने वाले ज्यादातर विवाद छोटी छोटी बातों पर होते हैं और खूनी संघर्ष में बदल जाते हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी रास्ते चल रहे हैं उनको दुरुस्त करें और इसको देखें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके बारे में ये जो कैंप लग रहे हैं सभी अधिकारी पूरा पॉजिटिव होकर के सकारात्मक सोच के साथ में अच्छा कार्य करेंगे। तो वहीं नागौर में जिला प्रभारी मंत्री यूनुस खान ने अधिकारियों को लोक अदालत को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए ताकि पीड़ितों को इंसाफ मिल सके। तो उनको अगर हमने सक्षम अधिकारी की तरफ से पत्र चला है कि आपका प्रकरण लोक अदालत में सुनने योग्य है, अगर आप इसका निस्तारण चाहते हैं तो दोनों पक्षों को अगर इसकी सूचना मिली जाए। सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे लोक अदालत कार्यक्रम में किसी तरह की खामी रहे, लिहाजा सरकार ने सारे ऐसे इंतजाम कर दिए हैं। सरकार तैयारियां तो तमाम कर रही है लेकिन सरकार का यह अभियान कितना कारगर होगा ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। चित्तौड़गढ़ के बाद अब प्रदेश बीजेपी सीकर जिले के विवादित कार्यकारिणी को भी भंग कर नई कार्यकारिणी का ऐलान करेगी। नई कार्यकारिणी में शामिल सदस्यों के नाम का ऐलान अगले दो दिन में किया जाएगा। पार्टी स्तर पर सीकर जिलाध्यक्ष झाबर सिंह खरा ने कुछ महीने पहले जिला कार्यकारिणी का ऐलान किया था लेकिन उसमें भाजपा विधायक घनश्याम तिवाड़ी के बेटे अखिलेश तिवाड़ी को जिला उपाध्यक्ष बना दिया गया और यही विवाद की वजह रही। प्रदेश संगठन इससे नाराज था और घोषित कार्यकारिणी पर रोक लगा दी गई थी लेकिन सीकर जिलाध्यक्ष ने अपने जिला कार्यकारिणी में कोई बदलाव नहीं किया। फिलहाल मामले में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने अगले दो दिन में सीकर की नई कार्यकारिणी की घोषणा करने की बात कही है जिससे विवाद को जड़ से खत्म किया जा सके। निश्चित रूप से सीकर की हमारी जो कार्यकारिणी बनी थी उसमें कहीं कहीं थोड़ा सा एक विवाद था, उस विवाद को हमने दूर कर लिया है। मैं समझता हूँ आज या कल में उसकी हम घोषणा कर देंगे। न मेरे पास कोई कैंसिलेशन का ऑर्डर आया है, न मैंने जो नियुक्ति की उनको स्थगित करने का कोई लिखित निर्देश गया है। अखबार के माध्यम से पढ़ रहा हूँ कि कभी समाचार पत्रों में आता है कि नियुक्तियां रद्द हो गई, कभी आता है कि नियुक्तियां स्थगित कर दी गई। मेरे पास मौखिक या लिखित प्रदेश संगठन के किसी भी पदाधिकारी का कोई निर्देश नहीं। गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया उदयपुर संभाग के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने पार्टी कार्यालय पहुंचकर जनसुनवाई की। जनसुनवाई में आए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कार्रवाई के लिए कई अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर अपने सदस्यता अभियान की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले दिसंबर 2014, फिर 28 फरवरी 2015, 15 मई 2015 और इसके बाद अब जाकर तारीख अंतिम तिथि 15 जून घोषित कर दी गई है। एक बार फिर एक महीने की अवधि बढ़ाकर करीब 2 लाख डायरियों में भेजे गए 50 लाख फार्मों का संकलन करने के लिए तिथि बढ़ाई गई ताकि सदस्यता शुल्क भी मिल सके। आपको बता दें कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस 4 गुना कम सदस्य प्रदेश में बना पाई है। खासतौर पर महिला सदस्यों की संख्या तो बेहद कम है। अब तक 20 लाख सदस्य ही कांग्रेस ने बनाए हैं जबकि टारगेट कम से कम 30 लाख सदस्य बनाने का रखा गया है।
तो महीने के लिए और सदस्यता अभियान को बढ़ाया है, तो 15 जून तक और अभी सदस्यता अभियान का काम चलेगा। और कितने सदस्य बने इसके बारे में, तो जब पूरी डायरियां एकत्रित होंगी उसके बाद ही हम बता सकते हैं। लेकिन हम ये मान करके चलते हैं कि जो हमारे 14 लाख पहले सदस्य थे उससे बहुत ज्यादा संख्या में, इससे एक बड़ी संख्या में हम अपने सदस्य बनाएंगे। और जैसा जोश है कार्यकर्ताओं में, और ये कार्यक्रम को आगे स्थगित किया उसका भी यही उद्देश्य है कि कल तक भी लोग आकर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जितने भी भारत भर में उसमें डायरियां लेकर के जा रहे थे ताकि और मेंबर्स को इंडक्ट किया जा सके। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है और कांग्रेस का कार्यकर्ता नाटक नहीं करता, काम करता है। पूरे राजस्थान की जनता हमारे साथ खड़ी है, सब लोग सड़कों पर है, हालात बहुत खराब है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे बाकी नेता हो, सब सड़कों पर हैं और जन भावनाओं को लेकर, जन मुद्दों को लेकर, जनता के हितों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सदस्यता अभियान भी चलता रहेगा और कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर संघर्ष भी करती है। जयपुर में पेयजल किल्लत को लेकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जल भवन के बाहर प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रताप सिंह खाचरवास की अगुवाई में कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल ने एडिशनल चीफ इंजीनियर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने जयपुर शहर में जलापूर्ति तुरंत बढ़ाने की मांग की। एडिशनल चीफ इंजीनियर ने आश्वासन दिया है कि अगले 10 दिन में जयपुर शहर में पेयजल सप्लाई दुरुस्त कर दी जाएगी। प्रदेश में एक महीने के लिए तबादलों से रोक हट गई है। प्रदेश में 15 जून तक तबादले होंगे और उसके बाद अनिश्चित काल के लिए फिर से रोक लग जाएगी। हालांकि प्रदेश के 10 प्रतिबंधित जिलों में लगे शिक्षकों को तबादला नीति का फायदा नहीं मिल पाएगा। इन जिलों में करीब 40,000 शिक्षक कार्यरत हैं जो पिछले 20 सालों से तबादला का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन्हें तबादला नीति का कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। ये प्रतिबंधित जिले बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, जालौर, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारा और झालावाड़ हैं जहां शिक्षकों के तबादले नहीं किए जाएंगे। एनएसयूआई के सांगठनिक चुनाव नामांकन के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यालय पर बंदूकें लेकर प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने, धन बाहुबल का प्रयोग करने के मुद्दे पर कांग्रेस ने कार्रवाई का मूड बना लिया है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा है कि ऐसे प्रत्याशियों के खिलाफ जांच करवाकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्जुना शर्मा के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रताप सिंह खाचरवास ने भी मामले में कड़ी आपत्ति जताई। जयपुर में जेडीए ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जेडीए ने सहगार मार्ग स्थित भोजपुर कच्ची बस्ती में अतिक्रमणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। जेडीए ने करीब 1.5 दर्जन कच्चे और पक्के अतिक्रमण हटाए। कच्ची बस्ती में विरोध की स्थिति को देखते हुए जेडीए के प्रवर्तन दस्ते के साथ स्थानीय पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। हालांकि अचानक हुई इस कार्रवाई से कच्ची बस्ती के लोगों में हड़कंप मच गया। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में जल्द ही रिहैबिलिटेशन सेंटर के साथ स्टेट स्पाइनल इंजरी सेंटर शुरू किया जाएगा। इसके लिए उपकरण खरीद की कवायद भी शुरू हो गई है। दरअसल एसएमएस अस्पताल के आरएसए सेंटर के अधीन स्टेट स्पाइनल इंजरी सेंटर की शुरुआत के लिए स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ एक अहम बैठक कर चुके हैं। बैठक में स्टेट स्पाइनल इंजरी सेंटर की स्थापना को लेकर योजना बनाई गई है। खबर है कि सेंटर के बेहतर संचालन के लिए दिल्ली के रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट डॉक्टरों की सलाह ली जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट में जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने मैथ सब्जेक्ट के प्रोफेसर की भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया, साथ ही यूनिवर्सिटी की ओर से अध्यादेश में किए गए बदलाव को गलत ठहराया। आपको बता दें कि याचिका में आरोप लगाया गया है कि यूनिवर्सिटी में यूजीसी के नियमों को दरकिनार कर चहेतों को शिक्षक पद पर नियुक्ति दी गई और इसके लिए आनन फानन में अध्यादेश में बदलाव भी किया गया। की ओर से दायर याचिका जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा विवादित अध्यादेश को चैलेंज किया गया था, उसमें माननीय न्यायालय ने उसको अध्यादेश को गैर संवैधानिक बताते हुए और जो भर्ती प्रक्रिया है उसको भर्ती को निरस्त कर दिया। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी आसाराम के खिलाफ सेशन कोर्ट में सुनवाई चल गई है। आसाराम के वकील ने अभियोजन पक्ष की प्रार्थना पत्र पर बहस के लिए समय मांगा है। आसाराम के वकील ने पीड़िता की मूल अंक तालिका प्रदर्शित करने के प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को भी बहस नहीं की और समय मांगा, लिहाजा इस पर सुनवाई टाल दी गई। यह सुनवाई आज भी जारी रहेगी जिसमें प्रार्थना पत्र पर आसाराम के वकील बहस करेंगे। सुनवाई में पुलिस उप निरीक्षक नितिन दवे का बयान सोमवार को लिया जाएगा।
खबर शुरू से जहां पर लेट लतीफ कर्मचारियों की बात सी है, ये हम नहीं बल्कि वो सभी सरकारी कार्यालय और विभाग खुद बयां कर रहे हैं। आप जिला कलेक्ट्रेट परिसर में तस्वीर देख लीजिए, कार्यालयों में सुबह 10 बजे तक इक्का दुक्का कर्मचारी ही पहुंचते हैं, कुछ विभाग के तो 10 बजे तक गेट भी नहीं खुलते, यहां तक कि डीएम महोदया खुद भी सुबह 11 बजे पहुंचती हैं। यहां अपने काम के सिलसिले में आने वाले लोगों को काम करवाने के लिए घंटों कार्यालय के बाहर खड़े रहकर इंतजार करना पड़ता है। झालावाड़ में पुलिस ने एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 2.5 किलो अफीम बरामद की है। पकड़ी गई अफीम की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी भवानी मंदिर कस्बे के गरीब नवाज कॉलोनी का निवासी है। झालावाड़ पुलिस उप अधीक्षक खुशाल सिंह ने बताया कि झालावाड़ सिटी रेलवे स्टेशन के बाहर चौराहे पर पुलिस की गश्त के दौरान एक शख्स पुलिस को देखते ही भागने लगा। जब इसको रोककर तलाशी ली गई तो उसके पास बैग में रखी करीब 2.5 किलो अफीम बरामद की गई, जिसको पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जाँच शुरू कर दी। बीकानेर में एसीबी ने शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के हत्थे चढ़ा आरोपी सत शिक्षा अभियान के सहायक परियोजना समन्वयक अधिकारी है। पकड़े गए अधिकारी पर आरोप है कि उसने प्राइमरी स्कूल को वारिता देने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी, बाद में 4,000 रुपए में सौदा तय हुआ। प्राइमरी स्कूल की मान्यता मांगने वाले शख्स ने इसकी शिकायत एसीबी से की, जिसके बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अजमेर में ऐसे कैसे होगी शहर की हिफाजत? जी हां, बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिसकर्मी ड्यूटी के वक्त अंगूर की बेटी के नशे में नजर आए। 3 पुलिसकर्मियों को मौके पर शराब पीते देखा गया। जैसे ही कोर्ट में मौजूद टाइपिस्टों को इसकी धमक लगी, उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। इस हंगामे के बीच 2 पुलिसकर्मी तो भागने में कामयाब हो गए, लेकिन 1 पुलिसकर्मी और साधु को लोगों ने घेर लिया और फौरन सिविल लाइन्स थाना पुलिस को खबर दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने कांस्टेबल और साधु को अपनी हिरासत में लेकर उनका मेडिकल कराने के लिए जेएलएन अस्पताल लेकर गए। चौकी पे सूचना मिली थी कि शिवजी के मंदिर पे या एसडीएम ऑफिस के पास में बाबा दारू वगैरह पी रहे हैं, तो उस सूचना पे मैं आया हूँ। बाबा बैठे हैं और अब इनका मेडिकल कराया जाएगा, आगे जैसी सूरत होगी उसी कार्रवाई। महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी के लिए बुरी खबर है। सरकार ने आधी रात से पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी है। पेट्रोल में 3 रुपए 13 पैसे और डीजल में 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई कीमतें आधी रात से ही लागू हो गई हैं। लगातार बढ़ रही तेल की कीमतों में आम आदमी पर बोझ बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। इस मामले को लेकर जयपुर में हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज शर्मा ने जायजा लिया। पेट्रोल पंप पर ग्राहकों से खास बातचीत की। फिर तेल के दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल की कीमत आज रात से 3 रुपए 13 पैसे बढ़ जाएगी, जबकि डीजल के दाम 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। आप देख सकते हैं पेट्रोल पंपों पर लोगों की पेट्रोल भराने की जो भीड़ है वो लगना चालू हो गई है। इसकी कतार लगना चालू हो गई क्योंकि आज रात से इसका असर 12 बजे से चालू हो जाएगा। लगातार जो मार है वो आम आदमी पर पड़ रही है। क्या इस तरीके से अच्छे दिन आएंगे? नहीं, ये तो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो कम होने चाहिए। ये तो क्यों बढ़ रहे हैं पता नहीं, क्यों कर रही है गवर्नमेंट, क्यों बढ़ा रही है इस पे? तो एक और तो जो सरकारी कंपनियां हैं पेट्रोलियम कंपनियां वो कहती हैं कि हमको स्वायत्ता है, हम इसको बढ़ा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के जो दाम बढ़े हैं उसके चलते बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आम आदमी का ये कहना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तेल के दाम कम थे तो उसको घटाया नहीं गया था उस मुकाबले। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है, आप बताइए, तेल की कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल 3 रुपए 13 पैसे आज रात से बढ़ जाएगा, इसी तरीके से डीजल 2 रुपए 71 पैसे। पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इतनी बढ़नी नहीं चाहिए क्योंकि आम आदमी से बहुत बढ़ता है। तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अच्छे दिन का एहसास जनता कब कर पाएगी? लगातार तेल की कीमतों के अंदर इजाफा हो रहा है और लोग यही कह रहे हैं कि दाम से आम आदमी की कमर टूटती नजर आएगी।